आज है 9 जून 2022, और 9 जून 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विश्ववीर आहूजा। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक विश्ववीर आहूजा बने हैं। FIH हॉकी 5S 2022 का खिताब किसने जीता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने FIH हॉकी 5S 2022 के फाइनल मैच में पोलैंड को 6-4 से हराकर यह खिताब जीता है। इसका आयोजन स्थल लुसाने स्विट्जरलैंड। FIH के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसके इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ। विश्व में जितने भी हॉकी के खेल होते हैं उन्हें FIH रेगुलेट करता है। FIH की स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा है, CEO थियरी बेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई MD और CEO कौन बनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए मणि मेघलाई। ए मणि मेघलाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई MD एंड CEO बनी है। ए मणि मेघलाई राज किरण राय का स्थान लेंगी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में। इसकी टैगलाइन, गुड पीपल टू बैंक विथ, टॉप MD एंड CEO का रिविजन। राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड के नए MD एंड CEO नटराजन सुंदरन बने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म टाटा प्रोजेक्ट के नए MD एंड CEO विनायक भाई बने हैं। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD एंड CEO हिसाकी तेके युची बने हैं। तकनीकी कंपनी इंफोसिस के MD एंड CEO सलील पारेख बने हैं। विमानन कंपनी एयर इंडिया के नए MD एंड CEO कैंपबेल विल्सन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर के ऊपर सोलर इन सुपर नामक अखिल भारतीय रूफ टॉप सौर जागरूकता अभियान को किसने शुरू किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भगवंत खुम्बा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खुम्बा ने घर के ऊपर सोलर इन सुपर नामक अखिल भारतीय रूफ टॉप और सौर जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य स्थानीय सरकार, नागरिक और नगर पालिकाओं को सौर रूफ टॉप के बारे में जागरूकता फैलाना और एकजुट करना है। सौर ऊर्जा के बारे में जानकारी, सौर ऊर्जा का अभिप्राय ऐसी तकनीक से है जिससे सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को तापीय ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सतीश चंद्र। सतीश चंद्र जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू शीतकालीन और श्रीनगर की ग्रीष्मकालीन। जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। जम्मू के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल है। जम्मू कश्मीर का नया यूटी पक्षी कलिज फिसेट है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झील है डल झील, नागिन झील, गाड़सार झील, अंतरनाग झील, बुलर झील इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राफेल नडाल। टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का मुकाबला में स्पेन ने राफेल नडाल ने नॉर्वे के केस्पर रूड को हराकर अपना 14वां फ्रेंच ओपन खिताब जीता है, जिससे अब वह सबसे ज्यादा टेनिस ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया योगा गेम्स 2021-2022 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, काजोल सरगर। महाराष्ट्र के काजोल सरगर खेलो इंडिया योगा गेम्स 2021-22 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले खिलाड़ी बन गई हैं। काजोल सरगर ने महिलाओं के 40 किलोग्राम वर्ग में कुल 113 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। पिछले टॉप खेलो इंडिया युवा गेम्स से जुड़े प्रश्न, खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021 का शुभारंभ धाकड़ है। खेलो इंडिया युवा
गेम्स 2021 का आयोजन पंचकुला हरियाणा में किया जा रहा है। युवा गेम्स 2021 में चौथा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। खेलो इंडिया युवा गेम्स 2022 का आयोजन गुवाहाटी असम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंगड़ा घाटी ग्रीष्म महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। कंगड़ा घाटी ग्रीष्म महोत्सव 2022 हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शुरू हुआ है। यह महोत्सव गर्मियों के दौरान राज्य में आने वाले पर्यटक को हिमाचल प्रदेश की संस्कृति और परंपरा से परिचित कराने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट नामक अभियान की शुरुआत किसने की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत लाइफ टाइम फॉर द एनवायरमेंट अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य ऐसी जीवन शैली अपनाने से है जो हमारे ग्रह के अनुरूप हो और हमें नुकसान न पहुंचाए। यह अभियान लोगों को थ्री आर या पानी, थ्री आर का मतलब है रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल के सिद्धांत का पालन करने का आग्रह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विक्की कौशल। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म भारतीय ये फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में विक्की कौशल ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। विक्की कौशल को यह पुरस्कार सरदार उधम फिल्म के लिए मिला है। इसका आयोजन स्थल यस द्वीप। अन्य पुरस्कार विजेताओं के नाम, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में विक्की कौशल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णु वर्धन को मिला है, सर्वश्रेष्ठ कहानी रूपांतरण कबीर खान को मिला है, सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी अनुराग बासु को मिला है लूडो के लिए, बेस्ट फिल्म सपोर्टिंग एक्ट्रेस साई तम्भारकर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास EX संपत्ति एक्स 2022 शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पूर्व संप्रति EX 2022 शुरू हुआ है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतः शक्ति क्रियाशीलता को मजबूत करना और एक दूसरे के सामरिक अभ्यास और परिचालन तकनीकों को समझना है। यह प्रश्न आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप कुछ मुझसे किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।